इलेक्टोरल सिस्टम, इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्टोरल सिस्टम क्या होते हैं और हमारे पास कितने तरह के इलेक्टोरल सिस्टम्स मौजूद हैं। जितने भी तरह के इलेक्टोरल सिस्टम हमारे पास मौजूद है उनमें एक तरह का इलेक्टोरल सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो हम इस वीडियो में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि यूजीसी नेट जून 2019 के लिए पॉलिटिकल साइंस के न्यू सिलेबस के बेसिस पर हमने एक कोर्स तैयार किया है। इस कोर्स में आपको पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के सभी टॉपिक्स का एक डिटेल्ड और इनडेप्थ एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हमें इलेक्टोरल सिस्टम के मीनिंग को समझना है। हमें देखना है कि कितने तरह के इलेक्टोरल सिस्टम्स हमारे पास मौजूद हैं और इन सभी टाइप्स ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम्स में एक टाइप ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के मीनिंग को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक डेमोक्रेसी के वर्क करने के लिए इलेक्शंस का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्शंस के बिना हम डेमोक्रेसी को इमेजिन भी नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी का जो लिटरल मीनिंग है, रूल ऑफ द पीपल, ये इलेक्शन पर ही डिपेंड करता है। रूल ऑफ द पीपल का मतलब क्या है? लोगों का खुद अपने ऊपर शासन, डायरेक्ट रूल ऑफ द पीपल ओवर देमसेल्फ। लेकिन लोग अपने ऊपर डायरेक्टली रूल नहीं कर सकते, डायरेक्ट रूल ऑफ द पीपल ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आज के समय में, मॉडर्न पीरियड में, मॉडर्न स्टेट के दौरान डायरेक्ट रूल ऑफ द पीपल ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं सोसाइटी में तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है और वो है इलेक्शन का रास्ता। इलेक्शन के माध्यम से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, ओके, और इन रिप्रेजेंटेटिव्स को ही हम सोसाइटी को रूल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। लोग स्वेच्छा से, खुद अपने सहमति से, अपने कंसेंट से इलेक्शन के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स को सोसाइटी को रूल करने का अधिकार देते हैं और इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के रूल को लोग अपने कंसेंट से, स्वेच्छा से एक्सेप्ट करते हैं। तो आज के दौर में जिस डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं यह है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को पॉसिबल क्या बनाता है? इलेक्शन बनाता है। आज जिस डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं इसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का एक कोर फीचर है इलेक्शन। बिना इलेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अलावा हम डेमोक्रेसी के और किसी मॉडल को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा जो मॉडल है वो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मॉडल, जो कि इंप्लीमेंट करना प्रैक्टिकली आज के समय में, आज के सोसाइटी में पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्शन डेमोक्रेसी का एक कोर डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन इलेक्शन के दौरान क्या होता है? जब भी एक डेमोक्रेसी में इलेक्शन होती है तो इलेक्शन के दौरान क्या होता है? क्या इलेक्शन का मतलब सिर्फ लोगों का पोलिंग बूथ पे जाकर वोट करना यहां तक सीमित है? क्या इलेक्शन का मतलब वोटिंग तक सीमित है? नहीं, इलेक्शन मेनली दो तरह के एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करता है। मतलब इलेक्शन को अगर आप डिटेल में एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि इलेक्शन में दो तरह की एक्टिविटीज शामिल हैं। पहला एक्टिविटी तो ऑब्वियसली वोटिंग की एक्टिविटी है। इलेक्शन में लोग वोट करते हैं, वोटिंग के माध्यम से लोग अपने प्रेफरेंसेस को, अपने चॉइसेस को एक्सप्रेस करते हैं। लोग ये एक्सप्रेस करते हैं कि उन्हें कौन सा कैंडिडेट पसंद है, उनकी पसंद क्या है, वो किस कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो इलेक्शन के माध्यम से लोग सबसे पहले अपने प्रेफरेंसेस को, अपने चॉइसेस को एक्सप्रेस करते हैं, अपने सपोर्ट को एक्सप्रेस करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के प्रति या किसी एक पर्टिकुलर लीडर के प्रति। अपने सपोर्ट को लोग वोटिंग के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं। वोटिंग खत्म हो जाने के बाद इलेक्शन की दूसरी एक्टिविटी शुरू होती है। इलेक्शन का जो दूसरा एक्टिविटी है वो है वोट्स को सीट्स में बदलने की एक्टिविटी, वोट्स को सीट्स में ट्रांसलेट करने की एक्टिविटी। इलेक्शन के दौरान लोगों ने जो वोट किया है उन वोट्स को हमें सीट्स में बदलना है, सीट्स में ट्रांसलेट करना है। जब भी इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो आप देखते हैं कि इलेक्शन का रिजल्ट इसी फॉर्म में होता है कि किस पार्टी को कितने सीट्स मिले हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी फॉर्म में इलेक्शन का रिजल्ट होता है। एक पार्टी को मिले सीट्स ये डिनोट करते हैं कि उस पार्टी के कितने कैंडिडेट्स ने इलेक्शन को जीता है। तो वोटिंग खत्म हो जाने के बाद इलेक्शन में हमारा दूसरा टास्क होता है, दूसरा एक्टिविटी होता है वोट्स को सीट्स में कन्वर्ट करने का एक्टिविटी और फाइनल रिजल्ट रिलीज करने का एक्टिविटी। ये कितने
जितनी भी पार्टी है उन्हें कितने सीट्स हासिल हुए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि हम वोट्स को सीट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, क्या ये एक कोई रैंडम प्रोसेस होता है या हम किसी रूल को फॉलो करते हुए वोट्स को सीट्स में कन्वर्ट करते हैं, वोट्स को सीट्स में ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, वोट्स को सीट्स में बदलने का ये जो प्रोसेस है ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं होता, ये कुछ रूल्स पर बेस्ड होता है, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए, जिन रूल्स को फॉलो करते हुए हम इलेक्शन के दौरान लोगों के द्वारा दिए गए वोट्स को सीट्स में कन्वर्ट करते हैं। और ये सभी रूल्स, ये सभी प्रोसीजर जिन्हें यूज़ करके हम लोगों के द्वारा दिए गए वोट्स को सीट्स में कन्वर्ट करते हैं, इन रूल्स, इन प्रोसीजर्स को ही कलेक्टिवली हम इलेक्टोरल सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें कि इलेक्टोरल सिस्टम का मतलब क्या है। तो इलेक्टोरल सिस्टम क्या है? इलेक्टोरल सिस्टम उन रूल्स, उन प्रोसीजर्स को रिप्रेजेंट करता है जिन्हें यूज़ करके हम इलेक्शन के दौरान लोगों के द्वारा दिए गए वोट्स को सीट्स में कन्वर्ट करते हैं, सीट्स में ट्रांसलेट करते हैं। तो इलेक्टोरल सिस्टम के अंतर्गत वोट्स को सीट्स में कन्वर्ट करने के लिए मेनली दो तरह के रूल्स फॉलो किए जाते हैं। एक है मेजॉरिटेरियन रूल और दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का रूल। मेजॉरिटेरियन रूल के अंतर्गत दो मेथड्स अपनाए जाते हैं, एक है प्लुरालिटी सिस्टम और दूसरा है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मेथड। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के केस में दो सिस्टम्स आते हैं, दो तरह के सिस्टम्स एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के केस में आते हैं। एक है अल्टरनेटिव वोट का सिस्टम और दूसरा है टू राउंड सिस्टम। प्लुरालिटी सिस्टम के अंतर्गत एक सिस्टम आता है, एक मेथड आता है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिस मेथड को, जिस सिस्टम को इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्टोरल सिस्टम के तहत मेनली दो रूल्स अपनाए जाते हैं वोट्स को सीट्स में कन्वर्ट करने के लिए, मेजॉरिटेरियन और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का रूल। मेजॉरिटेरियन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्लुरालिटी और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ओके, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के भी दो सिस्टम्स हैं, अल्टरनेटिव वोट और टू राउंड सिस्टम, और प्लुरालिटी सिस्टम के अंतर्गत आता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जिसे हम इस वीडियो में समझेंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो रूल है वो मेजॉरिटेरियन रूल से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के केस में चार मेथड्स अपनाए जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि चार तरह के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, सिंगल कंस्टिट्यूएंसी, हाईएस्ट एवरेज मेथड, लार्जेस्ट रिमाइंडर मेथड और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके, तो ये दो रूल हमारे पास मौजूद है, मेजॉरिटेरियन रूल और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का रूल। अब देखिए कि इन दो रूल्स के अलावा, मेजॉरिटेरियन रूल और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इन दो रूल्स के अलावा एक और मेथड, एक और रूल इलेक्टोरल सिस्टम में फॉलो किया जाता है, इलेक्टोरल सिस्टम के अंतर्गत आता है, जिसे हम कहते हैं एडिशनल मेंबर सिस्टम या मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम। यहाँ पे मेजॉरिटेरियन रूल और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश की जाती है, ये जो थर्ड मेथड है, जो कि बीच का मेथड आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम मेजॉरिटेरियन रूल को भी यूज़ करते हैं और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के रूल को भी यहाँ पर यूज़ करते हैं एडिशनल मेंबर सिस्टम के केस में या मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम के केस में। तो ये कॉम्बिनेशन है, एक मिक्सचर है मेजॉरिटेरियन का और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। ओके, तो ये जितनी भी इलेक्टोरल सिस्टम्स के टाइप हैं, मेजॉरिटेरियन रूल की अगर हम बात कर ले, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात कर ले या एडिशनल मेंबर सिस्टम की बात कर ले, इन सभी इलेक्टोरल सिस्टम्स को डिटेल में हमने हमारे कोर्स में डिस्कस किया है। ओके, इस वीडियो में हम मेजॉरिटेरियन रूल के अंतर्गत आने वाले प्लुरालिटी सिस्टम को डिस्कस करेंगे और प्लुरालिटी सिस्टम के अंतर्गत जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है इसे हम डिस्कस करेंगे। बाकी के जो सेक्शंस हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, अल्टरनेटिव वोट, टू राउंड सिस्टम, फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत आने वाला जो मेथड्स हैं, इन्हें हमने हमारे कोर्स में डिस्कस किया है। हमारा जो कंप्लीट वीडियो है, कंप्लीट वीडियो लेक्चर है इलेक्टोरल सिस्टम का, दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो लेक्चर्स हैं, वो हमारे कोर्स का हिस्सा है जहाँ पे हमने बाकी टॉपिक्स को डिस्कस किया, एडिशनल मेंबर सिस्टम, उन्हें भी डिस्कस किया है। ओके, तो इस वीडियो में हम मेजॉरिटेरियन रूल के अंतर्गत आने वाला जो प्लुरालिटी सिस्टम है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मेजॉरिटेरियन रूल, आप पहले एक बात को समझ लें कि मेजॉरिटेरियन रूल हम ये सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी के लिए यूज करते हैं और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो रूल है इसे हम मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसी के लिए यूज करते हैं। तो यहां पे आपको समझना है कि सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है और मल्टीपल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी या मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है। तो कंस्टिट्यूएंसी एक्चुअली एक टेरिटोरियल यूनिट्स को हम कहते हैं, कंट्री का एक फिक्स्ड ज्योग्राफिकल यूनिट, एक टेरिटोरियल यूनिट जिसे स्पेशली इलेक्शन के पर्पस के लिए बनाया जाता है उसे हम कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं। कंस्टिट्यूएंसी क्या है? ये एक कंट्री में मौजूद एक फिक्स्ड टेरिटोरियल यूनिट है, एक फिक्स्ड ज्योग्राफिकल यूनिट है जिसे इलेक्शन के पर्पस से बनाया जाता है। देखिए, फॉर एक एग्जाम्पल लेते हैं,
बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक कंट्री को स्टेट्स में डिवाइड किया जाता है। स्टेट्स क्या है, ये भी एक टेरिटोरियल, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन, एक ज्योग्राफिकल एरिया है। तो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम कंट्री को स्टेट्स में डिवाइड करते हैं, फिर स्टेट्स को भी हम बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स को भी हम ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। इसी तरह इलेक्शन के लिए एक कंट्री को अलग अलग टेरिटोरियल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, अलग अलग टेरिटोरियल यूनिट्स, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में डिवाइड किया जाता है इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्शन के लिए। और ये जो टेरिटोरियल यूनिट्स हैं इन्हें हम कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं। ओके, तो एक बात क्लियर है कि इलेक्शन के लिए एक कंट्री को अलग अलग टेरिटोरियल यूनिट में डिवाइड किया जाता है, और इन टेरिटोरियल यूनिट्स को ही हम कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंस्टिट्यूएंसी के कितने रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। एक कंस्टिट्यूएंसी है, अब एक कंस्टिट्यूएंसी के कितने रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं? एक कंस्टिट्यूएंसी का कोई एक इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, या एक कंस्टिट्यूएंसी में एक से अधिक रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं? इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो एक कंस्टिट्यूएंसी में कितने सीट्स मौजूद हैं, एक सीट या एक से अधिक सीट। अगर एक कंस्टिट्यूएंसी में सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, मतलब एक कंस्टिट्यूएंसी में सिर्फ एक सीट हो सकता है, तो इस तरह की कंस्टिट्यूएंसी को हम कहेंगे सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी। ओके, और अगर एक कंस्टिट्यूएंसी में एक से अधिक रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, 2, 3, 5, 10 इतने अधिक रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, दैट मीन्स अगर एक कंस्टिट्यूएंसी में एक से अधिक सीट मौजूद होगा तो उस कंस्टिट्यूएंसी को हम कहेंगे मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसी या मल्टीपल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी। तो सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी के लिए हम मेजोरिटेरियन रूल को अपनाते हैं। अगर सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी है, अगर एक कंट्री अपने अपने पूरे ज्योग्राफिकल एरिया को डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड करती हैं, और हर कंस्टिट्यूएंसी सिर्फ एक एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए बना होता है, हर कंस्टिट्यूएंसी के लिए सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो इस तरह के कंस्टिट्यूएंसी को हम सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी कहेंगे, और इन कंस्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट के इलेक्शन के लिए हम मेजोरिटेरियन रूल को अपनाएंगे। लेकिन अगर एक कंस्टिट्यूएंसी है जो कि मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसी है, जहां पे एक से अधिक कैंडिडेट जिस कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस कंस्टिट्यूएंसी में एक से अधिक सीट्स मौजूद होते हैं, तो इस तरह की कंस्टिट्यूएंसी को हम मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसी कहेंगे, और यहां पे हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मेथड को, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के रूल को फॉलो करना होगा कैंडिडेट्स के इलेक्शन के लिए। ओके, तो सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी में हम मेजोरिटेरियन रूल को फॉलो करके कैंडिडेट्स को इलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक कैंडिडेट ही जीतेगा इलेक्शन में। ओके, सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी मतलब एक कैंडिडेट यहाँ पर इन कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर हम मेजोरिटेरियन रूल को फॉलो करेंगे। अब मेजोरिटेरियन रूल के अंतर्गत दो रूल्स आते हैं, एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी और दूसरा प्लुरालिटी सिस्टम। एब्सोल्यूट मेजोरिटी के केस में क्या है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के केस में एक सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी में अगर किसी कैंडिडेट को इलेक्शन जीतना है तो उसे 50% से अधिक वोट हासिल करने की जरूरत होगी, 50% से अधिक वोट, 50+1, 50% से अधिक वोट, ओके, हासिल करने की जरूरत होगी, मेजॉरिटी हासिल करने की जरूरत होगी। और मेजॉरिटी का मतलब क्या है, 50% से अधिक। तो अगर कोई कैंडिडेट किसी सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी में 50% से अधिक वोट हासिल करता है तो वो विनर घोषित कर दिया जाएगा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के प्रिंसिपल को अगर हम वहां पर अपनाते हैं तो। और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करने के लिए दो सिस्टम्स को यूज किया जाता है, अल्टरनेटिव वोट मेथड और टू राउंड सिस्टम। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और अल्टरनेटिव वोट और टू राउंड सिस्टम को हमें इस वीडियो में डिस्कस नहीं करना है, हमें डिस्कस करना है प्लुरालिटी सिस्टम और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को। तो आइए देखते हैं प्लुरालिटी सिस्टम। तो प्लुरालिटी सिस्टम को सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी में अपनाया जाता है ये डिसाइड करने के लिए कि सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी का विनर कौन होगा, इलेक्शन के बाद सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी का विनर कौन होगा। तो अगर हम प्लुरालिटी सिस्टम को अपनाते हैं एक कंस्टिट्यूएंसी में अगर हम प्लुरालिटी सिस्टम को अपनाते हैं तो यहाँ पर किसी को भी इलेक्शन जीतने के लिए मेजॉरिटी ऑफ वोट्स हासिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर एक कैंडिडेट को इलेक्शन जीतने के लिए प्लुरालिटी ऑफ वोट्स हासिल करने की ज़रूरत होती है। ओके, प्लुरालिटी ऑफ वोट्स, इसे आपको समझना है। प्लुरालिटी सिस्टम के अंतर्गत हमारा फोकस एक कैंडिडेट को इलेक्शन जीतने के लिए मेजॉरिटी वोट हासिल करने की जरूरत नहीं है, 50% से अधिक वोट हासिल करने की जरूरत नहीं है, उसे प्लुरालिटी ऑफ वोट्स हासिल करने की जरूरत है। प्लुरालिटी ऑफ वोट्स का मतलब क्या है, प्लुरालिटी ऑफ वोट्स का मतलब है कि एक इलेक्शन में जितने भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेट्स में से जिस भी कैंडिडेट को सबसे अधिक वोट हासिल होगा वो कैंडिडेट विनर घोषित किया जाएगा। सबसे अधिक वोट हासिल करना, जिस भी कैंडिडेट को सबसे अधिक वोट हासिल होगा उस कैंडिडेट को हम विनर घोषित करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए एक सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी है जहाँ पर टोटल 100 वोट्स है, टोटल 100 वोटर्स है, दैट मीन्स टोटल 100 वोट्स है वहाँ पे, और इस सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी में तीन कैंडिडेट
पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तीन कैंडिडेट यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, ए बी और सी। इलेक्शन होता है, वोट कास्ट किए जाते हैं, उसके बाद काउंट किया जाता है, तो देखा जाता है कि कैंडिडेट ए को 32 वोट्स मिले, कैंडिडेट बी को 33 वोट्स मिले और सी को 35 वोट्स मिले। तो इस केस में हम विनर किसे घोषित करेंगे? अगर हम यहाँ पर मेजॉरिटी रूल को फॉलो करें तो यहाँ पर कोई भी विनर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट को 50% से अधिक वोट हासिल नहीं हुए हैं। ओके, अगर हम मेजॉरिटी रूल को फॉलो करते हैं तो इस केस में कोई भी विनर नहीं होगा, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर 50% से अधिक वोट हासिल नहीं हुए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्लूरालिटी सिस्टम को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर विनर कौन होगा? यहाँ पर विनर सी होगा, कैंडिडेट सी यहाँ पर विनर होगा। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट सी को 35 वोट्स मिले हैं और ये जो 35 वोट है ये बाकी सभी कैंडिडेट के वोट से अधिक है, तो सी को यहाँ पर प्लूरालिटी ऑफ वोट्स मिले हैं, सबसे अधिक वोट मिला है और इसलिए कैंडिडेट सी यहाँ पर विनर होगा। ओके, सी को यहाँ पर मेजॉरिटी वोट नहीं मिला है। एक बात आपको याद रखना है कि प्लूरालिटी सिस्टम के अंतर्गत कोई कैंडिडेट बिना मेजॉरिटी वोट हासिल किए भी पूरे कंस्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में सिर्फ 35% पीपल इस कंस्टिट्यूएंसी में 100 लोगों में से सिर्फ 35 लोग हैं जो कि कैंडिडेट सी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ 35% लोगों के सपोर्ट कोई के वजह से भी सिर्फ 35% लोगों के सपोर्ट होने के बावजूद भी कैंडिडेट सी जो है वो पूरे कंस्टिट्यूएंसी का विनर घोषित कर दिया जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 65% जो वोटर्स हैं वो कैंडिडेट सी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी कैंडिडेट सी पूरे हंड्रेड वोटर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। तो इस मेथड को प्लूरालिटी सिस्टम, इस मेथड को इसलिए विनर टेक्स इट ऑल अप्रोच पर बेस्ड कहते हैं। ये जो मेथड है ये विनर टेक्स इट ऑल अप्रोच पर बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कैंडिडेट बिना मेजॉरिटी हासिल किए भी एक कैंडिडेट यहाँ पर पूरे कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है, पूरे कंस्टिट्यूएंसी का कंट्रोल यहाँ पर एक कैंडिडेट के पास चला जाता है। उसे मेजॉरिटी हासिल नहीं भी हुई है, उसे सभी कैंडिडेट पूरे वोटर्स का सपोर्ट हासिल नहीं भी है, इसके बावजूद भी बिना मेजॉरिटी हासिल किए भी एक कैंडिडेट को पूरे कंस्टिट्यूएंसी का कंट्रोल दे दिया जाता है, पूरा कंस्टिट्यूएंसी का एक कैंडिडेट रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, इसलिए इसे विनर टेक्स इट ऑल अप्रोच कहते हैं। और यहाँ पर क्योंकि मेजॉरिटी नहीं है इसलिए जब एक कैंडिडेट जीतता है तो इसे मैन्युफैक्चर्ड मेजॉरिटी या रिलेटिव मेजॉरिटी भी कहते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी एक कैंडिडेट यहाँ पर बिना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को हासिल किए भी इलेक्शन यहाँ पर जीत पा रहा है। इसलिए इस केस में प्लूरालिटी सिस्टम के केस में यहाँ पर कैंडिडेट को जो सपोर्ट मिल रहा है उसे हम मैन्युफैक्चर्ड मेजॉरिटी कहते हैं या रिलेटिव मेजॉरिटी भी कहते हैं। ओके, और इस प्लूरालिटी सिस्टम को ही फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कहा जाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। इस प्लूरालिटी सिस्टम को ही फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इस प्लूरालिटी सिस्टम का ही दूसरा नाम है, दोनों का मीनिंग सेम है, डिफरेंस आपको क्रिएट नहीं करना है। इसे आप प्लूरालिटी सिस्टम कहें या आप इसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहें, मीनिंग सेम है। और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम दुनिया के मेजर बड़े बड़े डेमोक्रेसीज में अडॉप्ट किया जाता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पे भी इस FPTP फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है, ब्रिटेन में इसे अडॉप्ट किया जाता है, कनाडा में, और इंडिया में तो इस मेथड को यूज़ किया ही जाता है। अभी जो लोकसभा इलेक्शंस चल रहे हैं तो जब इस इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे तो ये जो इलेक्शन का रिजल्ट्स आएगा वहाँ पर वोट्स की जो काउंटिंग होगी, वोट्स को सीट्स में बदलने का जो प्रोसेस होगा वो इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर होगा, इसी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के प्रिंसिपल पर बेसिस होगा, इसी प्लूरालिटी सिस्टम के बेसिस पर होगा जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर हमारे लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे। ओके, तो ये है प्लूरालिटी सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। उम्मीद है कि आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आया हो। इलेक्टोरल सिस्टम के अंतर्गत आने वाले बाकी जितने भी सिस्टम्स हैं, चाहे वो अल्टरनेटिव वोट सिस्टम हो या टू राउंड सिस्टम हो या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम हो या एडिशनल मेंबर सिस्टम हो, इन सभी सिस्टम्स को और इलेक्टोरल सिस्टम से जुड़े बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को हमने हमारे कोर्स में डिस्कस किया है। ये बाकी सभी टॉपिक्स का डिस्कशन ये हमारे कोर्स का हिस्सा है। कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए या कोर्स में कैसे एनरोल करना है, इन सभी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।